हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये वोल्वो एक्सावेटर मशीन है और ऑपरेटर का कहना है कि इसमें इंजन एरर का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है और उसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो देखिए, इंजन एरर का सिग्नल है, आप लोग देख सकते हैं। फॉल्ट एक्टिव में यस दिखा रहा है, यानी ये फॉल्ट कोड एक्टिव है। और एफएक्स 1008 दिखा रहा है, 05, यानी जो फॉल्ट कोड है वो एफएक्स 1008 है, यानी इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए सिग्नल दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। एक बार सर्विस मोड में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो देखिए, हमारा सर्विस मोड एक्टिवेट हो गया है और नीचे व्हीकल मैसेज में जाएंगे तो देखिए ये सभी फॉल्ट कोड है। और देख लेते हैं कौन कौन सा फॉल्ट कोड इसमें एक्टिव है। तो सबसे नीचे जो हमारा इंजन एरर का है, तो देखिए ये फॉल्ट एक्टिव यस शो कर रहा है और एरर कोड के सामने एफएक्स 1008 दिखा रहा है, 05। तो यही हमारा फॉल्ट कोड है, एफएक्स 1008। और ये जो फॉल्ट कोड है हमारा वैक्यूम स्विच का है। चलिए मैं आप लोग को उसका लोकेशन दिखाऊंगा और वैक्यूम स्विच को भी दिखाऊंगा। तो देखिए, बाकी जो भी फॉल्ट कोड है सब नो है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो आप लोग हम लेके चलेंगे जहाँ पे हमारा वैक्यूम स्विच लगा हुआ है और दिखाएंगे कि हमारा वैक्यूम स्विच कैसा होता है और उसके वायरिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते ये फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो देखिए, मैंने इंजन का बोनेट खोल दिया और आप लोग को वैक्यूम स्विच दिखाऊंगा। तो देखिए, शायद आप लोग को दिख रहा होगा सामने, यही हमारा वैक्यूम स्विच है। ये वाला हमारा वैक्यूम स्विच है और ये 4 पिन का कनेक्टर होता है और इसी का सिग्नल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो ये सेंसर ख़राब होगा या तो इसका वायरिंग ब्रेक होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसे ठीक करते हैं। उससे पहले मैं इसके वायरिंग के बारे में आप लोग को बता देता हूं ताकि कभी फ्यूचर में आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से उसे ठीक कर सकें। तो देखिए, एक तरफ हमारा एफएक्स 1008 सेंसर है और एक तरफ हमारा वोल्वो एक्सावेटर 210D का ECU है, इंजन ECU जिसे बोलते हैं। तो जो इसका 1 नंबर पिन है वो हमारा इंजन ECU के 1 कनेक्टर के 29 नंबर पिन में चला जाएगा और जो इसका 2 नंबर पिन है वो हमारा इंजन ECU के 1 कनेक्टर के 15 नंबर पिन में चला जाएगा और जो इसका 3 नंबर पिन है वो हमारा इंजन ECU के B कनेक्टर के 31 नंबर पिन में चला जाएगा और जो इसका 4 नंबर पिन है वो हमारा इंजन ECU के B कनेक्टर के 18 नंबर पिन में चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका वायरिंग है और आप ही लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उसे ठीक कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसे ठीक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर जो है इसका वैक्यूम स्विच का एक वायर है वो डिसकनेक्ट है। तो मैं उसको जोड़ दिया, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए मैं आप लोग को केबिन में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पहले जो हमारा फॉल्ट कोड यस हो रहा था वो नो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं, तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो चलिए, एक बार हम डायरेक्ट सर्विस मोड में जाएंगे और सर्विस मोड को एक्टिवेट करके फिर देखेंगे कि फॉल्ट कोड इनएक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, सर्विस मोड एक्टिवेट हो गया है और एक बार व्हीकल मैसेज में जाएंगे और इंजन एरर में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो फॉल्ट कोड एक्टिव के सामने नो शो हो रहा है, पहले यस शो हो रहा था, यानी जो हमारा फॉल्ट कोड था वो इनएक्टिव हो गया है, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।